हूँ नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कामतगढ़ क्षेत्र के कई समस्याएं जल्द होंगी दूर, मनोज काटेकर जी ने कराई करोड़ों रुपए की निधि मंजूर। बता दें माजी उप महापौर व वरिष्ठ नगर सेवक मनोज काटेकर जी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कामतगढ़ क्षेत्र के विकास काम के लिए मंत्री कपिल पाटिल जी और विधायक महेश चौगले से करोड़ों की निधि मंजूर करवाए हैं, साथ ही स्वयं की निधि से अपने वार्ड की समस्याओं को जल्द दूर करेंगे। चाहे रोड की समस्या हो या गटर की समस्या हो या भारत कॉलोनी के जल जमाव की, वहीं वराला देवी तालाब की भी समस्या दूर होगी। वहीं भिवंडी भूषण स्वर्गीय रंगाराव विठोबा पवार के जयंती पर पुष्प अर्पित कर नमन किए और उनके कार्यों के बारे में भी बताया। अधिक जानकारी देते हुए मनोज काटेकर जी। देखिए, जो वराल देवी तालाब है, ये अपने वराल देवी माता की देन है कि अपने भिवंडेश्वर को अच्छा निसर्ग मिला है। अच्छा, ये तालाब का लोगों के लिए, शहर के लिए फायदे की बात हो गई है। रहा तालाब की गंदगी की सवाल जो है, तालाब की गंदगी के लिए हमने बहुत प्रयास किए। म्युनिसिपैलिटी की ओर से कमिश्नर जो भी आता है वो विजिट करते हैं, मेयर जो आते हैं हम लोग विजिट करते हैं साथ में, उसके ऊपर कोई ऐसा ठोस ये नहीं हुआ है। जब तो जो मानसरोवर में अपने जो एसटीपी है वो चालू हो जाने के बाद ये तालाब में बहुत सुधार हो जाएगा कि वो साइड से जो पानी आ रहा है तालाब में, गंदा पानी, उसको मेन कारण वो है। और पानी और तालाब की जो हालत है बहुत ही खराब है। अभी मेरे को सुनने में आया कि कपिल पटेल साहब ने कुछ तालाब के लिए बहुत बड़ा फंड लाया है 50-60 करोड़ का, तो उसमें कुछ अपन सब लोग ध्यान दे के, आपका भी काम है हमारा भी काम है, ध्यान दे के उसमें अपन सब तालाब की अच्छा रहेगा, तालाब को सुरक्षित करेंगे और ये गंदगी से बचाएंगे। क्योंकि आप बोले कि आपके घर के सामने है, मेरे घर के सामने बराबर है, लेकिन वो मेरे वार्ड में नहीं होने के कारण तो भी मैं वहां पे सब देखभाल में ही करता हूँ। क्या है, लोगों के सेहत से मैं काम करता हूँ, जो ग्राउंड है हॉल है उधर सब लोगों को फायदा होता है। एक मेरे को लगता है कि एक साल में वो भी गंदगी निकल जाएगी। म्युनिसिपैलिटी का भी प्लान है, गटर वहां से साइड से निकल के उधर फेना के साइड में निकालने का है, प्लानिंग बनाया है और अपने को फंड भी आ रहा है। और मानसरोवर का एसटीपी चालू होगा तो निश्चित तौर के ऊपर इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है कि तालाब की जो गंदगी है दूर हो जाएगी। अगर तालाली गांव से लेकर धामकर नाके तक की बात की जा सकती है तो हालत इतनी दयनीय है कि वहां पर गाड़ी से छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है। देखिए पत्रकार बंधु, मैं एक छोटा नगर सेवक, मेरी वार्ड की सीमाएं है, मेरे लिए सीमाएं है, तो मेरे को अच्छा लगता नहीं कामतगढ़ का नाम खराब हो रहा है, बहुत खराब लगता है मेरे दिल को। तो आप देखो, जब चंदन बाग से मेरा वार्ड चालू होता है कामतगढ़ ताड़े रोड, तो गणपति मंदिर तक कहीं मेरे को खड्डी दिखाओ। अभी व्हाट्सएप में बहुत सुनता हूँ ये कामतगढ़ के आ रहे, वो कामतगढ़ के आ रहे, जिनको बोलने का वो मनोज काटेकर का नाम लेके बोले या कोई और नगर से उनको जो रहता है उसका नाम लेके बोले, भाई इसके वार्ड में कितना गंदगी या कितना खराब वार्ड है, नाम लेके बोलना चाहिए कोई भी। ये खाली छोड़ते है ऐसा नगर सेवक वैसे नगर सेवक, और नहीं जितना चाहिए वही जितना चाहिए, जितना चाहिए जो लोगों के दिल में बैठे है वो जीत के आएंगे, जो काम करेगा लोगों के सामने वो जीत के आएंगे। अभी म्युनिसिपैलिटी खत्म हो के हमको 1.5-2 साल हो गया, तो 1.5-2 साल में हम लोग काम नहीं करेगा, लोगों का काम कर रहे है। और जो कामर का ताड़ा जो रास्ता है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने 50 करोड़ रुपया कपिल पटेल साहब के लेटर भी दिया है और मेरे को भी फंड दिया है, मेरे को भी पर्सनल 25-30 करोड़ रुपए मेरे को भी फंड दिया है। तो भाई हम कामतगढ़ का विकास करेंगे, जैसे हमारे कामतगढ़ का गावठान है, ओसवालवाड़ी का रास्ता है, उसके लिए हम लोग फंड लाए, जो ओसवालवाड़ी में पानी भरता है और भारत कॉलोनी में पानी भरता है। पत्रकार बहन ने पूछा भारत कॉलोनी में पानी भरता है, देखो भारत कॉलोनी पहले की भारत कॉलोनी भी छोट बड़ी हो गई है, सब जगह बिल्डिंगें बन गई है, बिल्डिंगें बनने से और वहां का जो पानी का निकास था वहां की गटरें बंद हो गई है, तो मैंने उसके लिए भी अभी मेरे को 2.5 करोड़ रुपया मिल गया है कि उसका नाले का निकास करो, और उसके लिए और 7.5 करोड़ रुपया आने वाला है कई दिनों में। और भारत कॉलोनी का एक और एक प्रस्ताव मेरा है, जो मेन रोड है वहां से नाला निकाल के पीछे के नाले में छोड़ेंगे, और उसका भी 2.8 करोड़ का प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस में पड़ा है, वो हम लोग मंजूर फटाफट मंजूर करके वो पानी का जो निकास है हम लोग करेंगे। लेकिन अभी वो समझो नाला छोटा हो गया है, वो अभी कोई लड़के कुछ बात नहीं है, हमको जो डेवलपमेंट करना है वो हमारे हिसाब से करेंगे और अच्छी तरह से डेवलपमेंट करेंगे। लोगों को कभी पानी में ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। अभी देखो बारिश गिरती है,
सालों साल से शहर है, सभी शहर है, जैसे भिवंडी में भी है, शहर में पानी भरता है, ऐसे लाखों शहरों में पानी अपने शहर के महाराष्ट्र बोले देश के शहरों में पानी आता है बाढ़ के, नैसर्गिक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे एरिया में लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम रोड रस्ते नाले के लिए फंड लाए और काम जल्द चालू हो जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बोले टेंडर निकालो, टेंडर निकाल के रस्ते का विकास करो। क्या लगता है नहीं, इसमें देखो हम लोग जो दो तीन महीने मेहनत किए हैं, सन्मानी एकनाथ जी साहब ने, शिंदे साहब ने जो हमको सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उनके दौर उनके माध्यम से हमको फंड जो उपलब्ध हुआ है MMRDA का, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि हमारे एरिया कामतगर के लिए जो फंड दिया उसमें जितना भी अच्छा होने का काम करेंगे, अच्छा रहने का काम करेंगे, लोगों के भविष्य का तबलीग लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। हाँ बोलिए, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको चर्चा तो क्योंकि आप मैंने भी कुछ सुना नहीं है, लेकिन मैं भिवंडी भूषण आदरणीय रंगराव जो पवार सेठ थे वो मेरे इतने करीब थे, मतलब मेरे को लड़का भी समझते थे, दोस्त भी समझते थे, और जो भी खुल के बात करते थे तो हम लोग हमारे जो स्वर्गीय अनंत सातपुते हैं वे स्वर्गवासी हो गए, हम लोग तीनों बैठ के मतलब खुल के बात करते थे, जो भी उनका भी कुछ रहता तो बताते थे हमको सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और हमको आदरणीय पवार सेठ की हमेशा याद रहेगी क्योंकि हम लोग उनके साथ में पड़े, उनके आशीर्वाद हमको बहुत हर इलेक्शन में रहता था, मैं जाके उनका आशीर्वाद लेता था और मेरा काम शुरू करता था, लेकिन वो हमारे लिए कभी वोट के लिए किसके लिए आते थे, मेरे लिए वोट के लिए आते थे, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ही। और आप बोलते दिखे नहीं, मैं मेरे को कुछ काम था तो मैं उधर जाके उधर उनको नतमस्तक होके आया है पवार सेठ को, अभी किसको मालूम है, मेरे को ज्यादा मतलब शो शाइनिंग या पत्रकार के सामने जाके वीडियो दिखाना तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है, और मेरे काम के कारण मैं जल्दी निकल गया। ऐसे आदमी को हम लोग नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे से भी काम लिया है, हमने भी उनसे काम लिया है। से तो हमको बहुत बार वो याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे हमारे लिए, जो कभी वोटिंग के लिए आते थे वो मेरे लिए वोटिंग के लिए वो मेरे लिए बड़ी बात थी, और आशीर्वाद त्योहार के ऊपर वोट देके जाता था, वो देखते थे मेरे को, मैं अकेला एक कोने में खड़ा रहता था और वो आके मेरे को अरे तू कैसा जीतेगा, अपन जीतेंगे तो तुम टेंशन मत ले, अरे तुम्हारे साथ मेरे साथ पूरा वोटर है, मेरे साथ पूरा इधर का एरिया में रहने वाला पूरा समाज है, तुम्हें जीत के आने वाला है। दूसरी बात यह है, एक दिन पवार सेठ के स्कूल के सामने एक म्युनिसिपैलिटी की शौचालय थी बड़ी, वो शौचालय हम लोग तोड़ने की दूसरी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन सेठ को एक दिन क्या गुस्सा आ गया, सेठ ने तोड़ दी, रातों रात तोड़ दी, फिर म्युनिसिपैलिटी से उनके वो FIR होने वाली थी, तो मैंने बोला FIR नहीं होने चाहिए, अपन 18 दिन में एक महीने के अंदर, पब्लिक मेरे पास बहुत मोर्चा आया था वो टाइम, मैं पब्लिक को बोला एक महीना मेरे को संभालो, एक महीने में तुमको मैं शौचालय बना के दूंगा, मैंने 18 दिन में शौचालय बना के दिया वहां पे, म्युनिसिपैलिटी से बना के दिया, तो वो डायरेक्ट तोड़ दिया, सेठ बोले गुस्से ले थे, लेकिन प्यारे थे, प्रेमी थे। दूसरा उनकी जगह थी मंदिर के पीछे जहाँ पे उनको हॉस्पिटल बनाया था, उनकी लड़की जब MBBS हो गई थी, एक लड़की डॉक्टर है उनकी पावरशीट, उनके लिए हम लोग मंदिर के पीछे की जगह थी, वो उनकी एक मुस्लिम मेरे दोस्त की थी, और सेठ को कैसे मालूम पड़ गया मेरा दोस्त है, वो जगह के लिए सेठ ने बहुत ये किया था, तो मेरे को बोले जगह अपने को मांगता है, अपनी लड़की हॉस्पिटल डॉक्टर हो गई, अपने आप को बड़ा सेवा करने के लिए हॉस्पिटल जाने, वो एक सपना था उनका पावर सेठ का हॉस्पिटल बनाने का, तो मैं भी सोचा चलो सेठ को सपोर्ट करेंगे अपना, तो मैंने वो जगह सेठ को खरीद के दी थी, सेठ को खरीद को दी थी, सेठ वो टाइम में कुछ तंगी में थे, लेकिन सेठ ने 1-1.5 साल लेट हो गया, तो जो जगह मालिक था वो मुंह करता था, तो उसको मैंने मुंह करने नहीं दिया उनको, उसको बोला सेठ को मेरे को आप भी रजिस्टर करके दो, 1.5 साल में रजिस्टर कर दिया, 3 महीने की बात हो गई थी, तो सेठ वो टाइम से मेरे को बहुत मानते, और हॉस्पिटल हो जाती तो हमको भी खुशी थी, हॉस्पिटल होएगा तो आज भी सेठ के नाम पे हम लोग भी कुछ करेंगे उनके लिए। आज के लिए बस इतना ही, सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।